बड़ा हो रहा है, पापा का ये वो तो नहीं आ रहे हो, आप आगे से बोलोगे तभी तो जाके कोई बोलेगा ना। आप बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा कि इस बात को भी बुला लिया जाए, नहीं बुलाना जरूरी समझा। तो आप खुद ही तो नहीं ऐसा लगा उस दिन से आप नाराज होकर के आना जाना बंद कर दिया। अब बेटा देखो मेरा पक्ष या इनका पक्ष नहीं लीजिए। नहीं मैं पक्ष तो, मैं तो कहता हूँ जो बात हो गई उसको नहीं, बात, नहीं, 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 तो बात के ऊपर कह रहे हो ना आप। मैंने तो मैंने आपको बताया ही होगा, तो अभी हमें पैसे की नीड्स है, इसलिए मैं चाह रहा था कि भले ही आप ऐसे दो या कर्जे के तौर पे दो, लेकिन अभी दो ताकि एक लड़की का शादी हो जाए। समर बेटा शादी कोई भी करवाए कहीं से भी हो, आप बस देने वाले बनो। ये थोड़ी तुम पैसे दे रहे थे, मैं उल्टे सीधे लड़की को। सही बात है, ये भी तो देखो ना, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे उनके। बोल रहा था मम्मी राधिका के पापा राधिका से मिलने आए थे, बहुत मना कर रहे पैसे वैसे के लिए। सब मना कर रहे हैं, सबको वही है, सब ये कह रहे नहीं तुम लोग कर रहे हो तो तुम लोग करो, मतलब पैसा देंगे भी लेकिन जता करके। तो ऐसा थोड़ी मतलब कि अगर तुम रिश्ता देख रहे थे तो तुम पैसा दोगे। हाँ राधिका मेरी बेटी है, ये गुनगुन मेरी बेटी है, मेरी बेटी जैसी है, तो अब क्या दिक्कत है। तो बेटी की शादी कोई भी करवाए कहीं से भी हो, आप बस देने वाले बनो। सही बात है, ये भी तो देखो ना, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे उनके। तुम पैसा दे रहे हो, जिस मर्जी के साथ शादी कर दे। बोल रहे की तुम्हें पर्सनली खर्चे के लिए चाहिए तो ले लो, लेकिन शादी के लिए तुम और तुम्हारी मम्मी जाने, तुम लोग जिम्मेदारी तुम लोग ले लो। नहीं वो तो हम करेंगे वो तो चल, लेकिन जब क्यों करी थी इतनी बड़ी बड़ी बात है पर्सनली, क्या हम तो अगर दे रहे हैं हम तो कर्जा से ही मांग रहे हैं, हम दे देंगे लौटा कर। सही बात है, और नहीं तो इतनी टेंशन क्यों ले रहा है, बात करनी ज्यादा देर पीछे मत पड़ियो, अपना कर लेंगे एडजस्टमेंट, जैसे होगी वैसे कर लेंगे बस। इतनी वो भी समझदार है, मैं उसको समझा दूंगी, कोई बात नहीं है। समर बेटा आप आ गए। अच्छा जी कैसे हैं आप? भैया क्या कह रहे हैं फोन में? आजकल ना टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है, लेकिन प्ले स्पोर्ट करता है टैलेंट की वैल्यू। अपने टैलेंट से आप प्ले स्पोर्ट पे 50 लाख की विनिंग कर सकते हो, वो भी डेली। प्ले स्पोर्ट पे 15 से भी ज्यादा गेम है, जैसे लूडो, स्नैक्स एंड लैडर्स, चेस, शिप, फाइट। यार मतलब सोचो, लूडो खेल करके लाखों जीत सकते हो भाई। अब ये आप पूछोगे प्ले स्पोर्ट ही क्यों, 1.5 करोड़ यूजर, सेफ एंड सिक्योर ऐप है, इजी विड्रॉल है, विनिंग अमाउंट डायरेक्ट वॉलेट या अकाउंट में है। एक और मजे की बात बताता हूँ, मेरे लिंक से डाउनलोड करने पे और मेरा रेफरल कोड प्लेस 200 यूज करने पे आपको मिलेगा 200 का साइन अप बोनस। अब यहाँ वहाँ अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे लिंक से ऐप को डाउनलोड करो और लाखों की विनिंग करके करो अपने टैलेंट की प्रदर्शन, क्योंकि प्ले स्पोर्ट पे मिले टैलेंट की वैल्यू। एंगेजमेंट करना हम लोग चाह रहे हैं, तो उसके लिए पैसे की थोड़ी दिक्कत हो रही है, एंगेजमेंट और शादी में दोनों के लिए चाहिए। खाली एंगेजमेंट होता तो हम लोग तो कर लेते, तो मैंने राधिका से सिर्फ डिस्कस किया था, राधिका ने आपको बताया ही होगा। तो अभी हमें पैसे की नीड्स है, इसलिए मैं चाह रहा था कि भले ही आप ऐसे दो या कर्जे के तौर पे दो, लेकिन अभी दो ताकि एक लड़की का शादी हो जाए। समर बेटा पता नहीं कैसी बात करता है, कर्जे नमस्ते यहाँ तो कैसी बात करता है, सब कुछ दे रहा है क्यों करता है, और तू कर्जे की क्यों बात करता है? मुझे ये बात समझ में आती जब मैंने बोला बहन जी की सब कुछ इन दोनों बच्चों का है, तो सब कुछ इन्हीं का ही है ना। मुझे बस एक चीज आप लोगों से पूछनी है, आप तीनों बैठे हैं, कि उस लड़की का और उस लड़के का नंबर एक्सचेंज किया आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं मुलाकात हुई है? हाँ मुलाकात सामने घर में ही हुई थी। बहन जी ने उस दिन मैंने कुछ जिम्मेवारी गुनगुन को ली थी, तो बहन जी ने बहुत मेरे पे हाइपर हो गए थे। हमारी बड़ी बहन जैसी है, हमारे से बड़े भी हैं, हमारे से सीनियर्स भी हैं, और एक रिश्ता भी बड़ा। उस दिन मुझे इन्होंने बहुत कुछ बोला कि आपने गलत किया मेरे पीछे, आपने ऐसे कर दिया, लड़की को मिलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब बेटा देखो मेरा पक्ष या इनका पक्ष नहीं लीजिए। नहीं मैं पक्ष तो, मैं तो कहता हूँ जो बात हो गई उसको बात, नहीं नहीं, नहीं तो उस बात के ऊपर कह रहे हो ना आप। मैंने तो उस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया था कि तुमने भेज दिया था लड़की को, हम लोगों ने बाहर अभी तक नहीं भेजा, अभी तक नहीं बाहर भेजा, सामने हमारे आमने सामने बात हो गई। बात एक छोटी सी देखो, मैंने भेज दिया, क्यों भेजा? क्योंकि वो मेरी बेटी है, राइट है। और आपने नहीं भेजा, वो आपकी वो है मेंटेलिटी कि नहीं भेजना मुझे। मेरी सोच है कि मेरी बेटी फ्रीडम है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बच्ची का ये निर्णय लिया था, ये फाइनलाइज किया था कि मेरा बच्चा जाके उस लड़के के साथ घूमा है तो कोई मुश्किल नहीं। अब आप मुझे बोल रहे हैं सेकंड कि आप हेल्प करो, सब कुछ मेरा इन दोनों बच्चों का है, ठीक है जी, पर आपने बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा कि इस बात को भी बुला लिया जाए। चलो हम लोग से नहीं मिले, कम से कम बेटी से मिलने तो आप आओगे, आप आए नहीं। मैं जी आपके साथ मेरा रिलेशन है, पूरी फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है, ये हमारे दोनों बच्चे हैं, मैं इनसे कैसे नाराज, कभी आपने देखा कि नट मारने से पानी अलग हुआ है, पानी वानी ले बात वो नहीं, बात देखो वो भी, और दूसरी बात आप समझ सकते हो कि देखो वो लड़का अकेला राजी हो रहा है, उसके माँ बाप राजी नहीं है। मैं एग्री हूँ शादी करवा रहे थे, उसके पेरेंट्स जब तक एग्री नहीं करते तो पापा नहीं करवाते, तो ये तो मैंने बोला ही नहीं कि तुम शादी करवा रहे हो, आप ही तो आप ही बोल रहे थे कि नहीं आपने गलत कर दिया, आपने तो ये बोला था कि क्यों भेज दिया बाहर, वही तो आप सोच रहे कि वो क्यों आएंगे। एक बात बताओ, आपने मुझे बोला मैं एग्री हो गया चाहे बात से, मैं एग्री हूँ बुरा लगे तो कोई बात नहीं है, वो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में, जब भाई जो चीज है जब कहते हैं ना छाछ का जला दूध भी फूक फूक के पीता है तो वाला हाल है, तो इसलिए लड़के के साथ हम नहीं भेज, यहाँ भी नहीं भेजा मैंने, मना कर दिया आमने सामने बात, मैंने आपको पहले भी बोला और अब दोबारा बोल रहा हूँ। देखो पता क्या है, वहाँ पे उन्होंने रोका वगैरह भी करा ना कुछ करा, माँ कर गई पिताजी ने, जब रोका नहीं किया तो जो बेटा सबू नहीं समझ ले है ना, ऐसे एक की हाँ है एक की ना है, फिर लड़का मैं आपके साथ खड़ा हूँ, किसी में भी आपके साथ खड़ा हूँ कि नहीं खड़ा, आपने मुझे बोला वो लड़का नहीं पसंद है, ये फैमिली नहीं पसंद है, वो मेरे बच्चे की तरह है, बात वो भी नहीं है, देखो उससे भी बातचीत करी छोड़ दीजिए तरह से, लेकिन बात सुनो जब वहीं से कोई वो नहीं आ रहा रिस्पॉन्स, एक बात बताओ ऐसे ऐसे रिश्ते 100 हमारी बेटी के ऊपर से कुर्बान है, पर आप मुझे ये बताओ ना, आपने मुझे बोला समर बेटा ने बोला, राधिका ने भी फोन किया स्पेशली कि पापा आप आओ आपसे मुझे बात करनी है, उसने मुझे यही बात बोली कि पैसे की बात, पैसे का कोई मैटर नहीं है बहन जी, आप मुझे अभी बोलोगे ना इंतजाम कर कहीं से भी कर, मैं कहीं से भी करूंगा, पर थोड़ी तो इज्जत चाहिए आपके भाई को, तो इज्जत तो दे रहे हैं, इज्जत आप मुझे दे रहे हैं, आप मुझे कहां दी आपने मुझे, जाना जाना ज्यादा हो रहा है पापा का, ये वो तो नहीं आ रहे हैं, आप आगे से बोलोगे तभी तो जाके कोई बोलेगा ना, आप आगे से बुलाओगे तभी तो कोई आएगा ना, आप तो मैंने बुलाया तो है इसीलिए तो बुलाया, बातचीत बुलाया मुझे आपने, जब बच्चों का तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद दोनों बातचीत करते रहते हैं, मैं पहले भी कौन सा इतनी बातचीत करती हूँ, फोन करती हूँ आपको बहन जी, देखो और मैं मेरे को शोभा देता है इतना साफ, देखो बच्चों का ठीक है बच्चों, आप ये टाइम जो कह रही हो आपको इस चीज में आपको भाई उन्होंने कहा था कि मैं खड़ा हूँ साथ में हेल्प करूंगा, जो भी है तो अगर मेरे को इतना बुरा लगता है या कुछ ऐसा लगता ना तो मैं उनको अब भी नहीं बोलती, अगर मैं अपनी ईगो में होती ना तब भी, लेकिन नहीं यहाँ मैं समझ कर सबको साथ, आपको बुरा लगा कि नहीं लगा, मुझे बुरा लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल जैसे आपको बुरा लगा कि आपकी बेटी के आप एब्सेंट में थे, मैंने ये थोड़ा सा स्टेप उठाया आपको अच्छा नहीं लगा, आपने उठाया अच्छी बात है भाई, ये नहीं कि नहीं उठाया, लेकिन ये भी जल्दबाजी हो गई, ये भी नहीं कि उसे अकेला भेज दिया तो अडल्ट नहीं है या कुछ कर नहीं पाएगी, बोला कि भैया आपने ये अच्छा नहीं किया, मैं आपकी बात से एग्री हो गया ना, वही स्टेप आपने उठा लिया, और आपने और मेरे में क्या अंतर रहा, अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन बात वो परिवार मेरे को वो भी बुरा नहीं, लेकिन अगर एकता होती तो मेरे को दूसरा लड़का ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती बहन जी, एक बात बता रहे कोई नहीं, आप लोग हमें परिवार के लिए नहीं जाना, हमें अपने परिवार को देखना है, अब मैं तो बस एक चीज जानती हूँ कि लड़की को लड़का सही लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी सही हो रही है, शादी करनी है अगर हेल्प कर सकते हो बस, मैं एक मुद्दे पे चाहती हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको पर्सनली आपके लिए कोई पैसा चाहिए आपका भाई बच्चों के लिए चाहिए, ये बात तो आपने राधे पर्सनली खर्चे के लिए थोड़ी चाहिए, मुझे ना इसके बारे में देखो सोचना, मैं भी फैमिली वाला आदमी बेटा, मैं भी आपकी मम्मा से, आपकी बेटी है तो समझ रही, बिल्कुल, तो फिर बेटी कैसी, जब आपके जब बेटी बेटी का इतना बड़ा काम हो रहा है कर रहे हैं तो बाप को नहीं आप किया तो मुझे ये बातें चलो मैं इग्नोर कर दूंगा, पर मेरा जो जीवन साथी है ना उस
उसको भी तो बात करनी पड़ेगी ना। मुझे तो नहीं बुलाया, मैं तो इसी से कह रही थी, मैंने की प्रोग्राम करेंगे उनको भी बुला के एक बार बात होती है। जैसे वो आई अचानक तो हम बात कर रहे थे, उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे प्रोग्राम रखा है। सुनो, आपको हम मिलवा देंगे और अभी एंगेजमेंट हुआ का एंगेजमेंट में आप आओ, ऐसा थोड़ी कि आपके बिना हम एंगेजमेंट कर लेंगे। जैसे जब आपके साथ जबराजी में हुआ वो बचा हुआ है, लड़के से भेंट ले लिया शादी के लिए वो भी बचा हुआ है, ये सब तो भी बचा ही हुआ है। अभी तो नॉर्मल ये हुआ है कि बस सारे काम में खड़े आप लोगों को ही होना है। चलो फिर एक काम करता हूँ, बाकी देखो एक काम देख लो जो अडजमेंट हो जाए ऐसा है, मैं एक बड़ी घर जाके ठीक है ठीक है ना, ठीक है ना दादी का बेटा जैसा होता ठीक है जैसा होगा मैं निकलना चाहूंगा आपको। ठीक है ठीक, अच्छा भैया, अच्छा बेटा कोई नहीं जैसा होगा पता, ठीक है बेटा चलो देखते हैं अगर इनसे होता है ठीक है, नहीं तो अपना फिर भी अपना अरेंजमेंट करके रखो।